हाय विनर्स आई होप यू आर वेल दिस साइड राजीव आनंद वेलकम टू क्रिप्टो मार्ग यूट्यूब चैनल क्रिप्टो का रास्ता विनर्स आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बेस चेन के टॉप थ्री मीम क्वाइन और यू कैन से टॉप थ्री लीडिंग मीम क्वाइन ऑन बेस चेन इनके बारे में कंप्लीट डिस्कस करने जा रहा हूं और इस वीडियो में एक चीज का बिल्कुल दावा करता हूं अगर ये वीडियो आप लोगों ने पूरा लास्ट तक सुना सो टूडे यू आर बिलीविंग इन ब्रेट मोग एंड डीजेन देखिए दोस्तों एक चीज बिल्कुल क्लियर है एक स्टेप एक स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है इन तीनों टॉप के मीम क्वाइन का जो सबसे बड़ा मेजर स्टेप है वो है क्वाइन बेस में लिस्टिंग पाना और क्वाइन बेस का ही ऑफिशियल बेस चेन के ऊपर ऑन चेन ये पहले टॉप थ्री मीम क्वाइन ऑलरेडी डिप्लॉय किए जा चुके हैं एक स्ट्रॉन्ग कॉम्युनिटी बन चुकी है और अगर मैं सिंपली ब्रेड की बात करूं तो ब्रेट इस टाइम पर वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटेड प्रोजेक्ट बन चुका है बेस चेन पर और उसी को फॉलो कर रहा है मोकवाइन और उसी को फॉलो कर रहा है डीजेन लेकिन इन तीनों प्रोजेक्ट के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट एक दूसरे को फ्लिप कर सकता है यह हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है और डीजेन की अगर मैं स्पेशल बात करूं तो डीजेन जब से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुकी है कि 15 अगस्त से क्वाइन बेस के अंदर डीजेन की परपेचुअल लिस्टिंग स्टार्ट होने वाली है अब डीजेन के अंदर एक बहुत बड़ा मौका बन चुका है और वो मौका आपको अभी बहुत बड़ी डिप में भी दिखाई दे रहा है यस माई फ्रेंड्स डीजेन इस टाइम पर एक कंप्लीट डिप मोड में है मोक क्वाइन और ब्रेड ये दोनों फिर भी आप लोगों को एक बड़े बुलिश मोमेंट के साथ दिख रहे हैं ब्रेड क्वाइन नियर बाय वन बिलियन डॉलर पहुंच चुका है मोक क्वाइन इस टाइम पर टॉप वन ट्वेंटी फाइव असेट बन चुका है बट डीजेन के अंदर अभी भी सिक्सटी फाइव मिलियन डॉलर का यह प्रोजेक्ट जिसका क्वाइन बेस में परपेचुअलिस्टिंग का अपडेट आ चुका है सो अनडाउटेडली दिस बुल रन इज वन ऑफ द मैसिव बुल रन फॉर दीज टॉप थ्री क्वाइन और इन टॉप थ्री मीन क्वाइन के साथ मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट और बताता हूं चेन का वो आप लोगों को धीरे धीरे जब हम लोग ट्विटर हैंडल को एक्सप्लोर करेंगे उसके बारे में आप लोगों को पूरा नॉलेज हो जाएगी सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट विद टॉप थ्री क्वाइन ऑन चेन देखिए माय फ्रेंड्स सबसे पहले अगर हम बात करें तो ब्रेड ब्रेड की हम बात करते हैं ब्रेड आज की डेट में 68 रैंक का टोकन है और 904 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप है वेरी क्लोज टू वन बिलियन और ये वन बिलियन ऑलरेडी बना भी चुका है सो आई एम एक्सपेक्टिंग ब्रेड को इस टाइम पर अगर हम लोग यूएसए स्पेस से बात करें ब्रेड का जो पहला टारगेट ग्लोबली सेट किया गया है वो दस बिलियन डॉलर की मार्केट कैप किया गया है, दस बिलियन डॉलर की मार्केट कैप क्यों किया गया है? पहले आप लोग वो समझिए देखिए ब्रेट आज के डेट में बिटगेट बेंजेक्स कु क्वाइन गेट, गेट डोटाइ बाइबेट जैसे टॉप एक्सचेंज पे आ चुका है इवन एल बैंक, बिट हम एलबेंक बिटमार्ट जैसी सभी एक्सचेंज पे मोस्टली आ चुका है बट कहीं ना कहीं पर ब्रेड का जो सबसे बड़ा रोड मैप है वो है क्वाइन बेस में लिस्टिंग पाना एंड देर इज नो डाउट कि क्वाइन की न्यूज हमें क्वाइन बेस की लिस्टिंग में हमें हंड्रेड परसेंट दिखेगी बट इट्स कंप्लीटली अ मैटर ऑफ टाइम कि वो कब टाइम आता है जब फाइनली क्वाइन बेस जो है वो ब्रेड क्वाइन को लिस्ट करता है इट्स कंप्लीट अ मैटर ऑफ टाइम बट देर इज नो डाउट और क्वाइन बेस में बेस चेन का ऑफिशियल लीडिंग मीम क्वाइन की लिस्टिंग होना डायरेक्ट रोडमैप जो है वो इसका पहला टारगेट को कंप्लीट तरीके से कर रही है और वो पहला टारगेट है टेन बिलियन डॉलर मार्केट कैप अब आप देखिए नियर बाय वन बिलियन डॉलर मार्केट कैप है मींस क्लियर इंडिकेटर है कि मिनिमम टेन एक्स का यहां पर सेंटीमेंट आ चुका है लेकिन दोस्तों

30th of November 2025 तक या फिर 31 अक्टूबर 2025 तक आप लोग इसका टारगेट रख सकते हैं because के अकॉर्डिंग देन अक्टूबर बीच में आपको अप्रैल के अंदर अगस्त के अंदर थोड़े बहुत सेंटीमेंट दिखाई देते हैं बट जो टॉप टू बुलिश मंथ है वो अक्टूबर और फेब्री है तो अक्टूबर दो अक्टूबर 2024 और फरवरी 2025 ये तीन इस साल में दो महीने डेढ़ महीने बाद अक्टूबर 2024 क्या पता हम लोगों को क्वाइन बेस की लिस्टिंग का अपडेट मिल जाए क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको डीजेन की तरफ से एक बहुत बेहतरीन न्यूज देने जा रहा हूं अब यहां पर अगर अक्टूबर 2024 में ब्रेड की लिस्टिंग क्वाइन बेस में हो जाती है देर नो 2024 एंड तक हम लोग इसको 5 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप पर देख सकते हैं इट मींस यहां से 5x ग्रोथ इसी साल में पॉसिबल है अदरवाइज फेबर 2025 में इसका चार्ट बहुत शानदार बन रहा है और वहां पे हम लोग 7 या 8 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप भी यहां देख सकते हैं तो कहीं ना कहीं पर आप फेब्रवरी एंड तक इस टारगेट को आठ या दस बिलियन डॉलर मार्केट कैप पर देखेंगे इन बिटवीन अगर क्वाइन बेस की लिस्टिंग का अपडेट ब्रेट को लेकर आ गया तो हम लोगों को एक बहुत बड़ा मैसिव इंपैक्ट जो है वो ब्रेट स्टार्टिंग ऑफ या फिर लीडिंग मीम क्वाइन ऑन बेस चेन इसके ऊपर देखने को मिलने वाला है अब देखिए दोस्तों ये है ब्रेड का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल और इसकी पहली टैगलाइन द लीडिंग मीम कॉइन ऑन बेस देखिए टैगलाइन से इंप्रेस मत होइए

बीएसई डेली न्यूज है रैक्स को देखे पोंक के जो ऑफिशियल मतलब गोल्डन टिक ऑफिशियल कम्युनिटी है सोलाना की

टॉप इंफ्लुएंस टॉप क्रिएटर टॉप एक्सचेंजेस आर फॉलोइंग द ऑफिशियल प्रोफाइल ऑफ ब्रेट सबसे बड़ा फैक्टर क्वाइन बेस बेस चेन और ओन चेन नो डाउट दोस्तों ब्रेट आने वाले बुलरन में इस बार शिबा इनू की मार्केट कैप को भी फ्लिप कर सकता है यस माय फ्रेंड्स दिस इज द सीक्रेट आंसर ब्रेट में भी शिबा इनू की जो ऑल टाइम हाई मार्केट कैप बनी थी दो उसको फ्लिप करके उससे बड़ी मार्केट कैप भी बना सकता है इट्स टोटली डिपेंड ऑन क्वाइन बेस लिस्टिंग इट्स टोटली डिपेंड ऑन क्रिप्टो बुल रन नेक्स्ट क्वाइन की बात करें द सेकंड टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट मोक क्वाइन मोक क्वाइन आज की डेट पे अगर हम लोग बात करें 111 रैंक पे फोर डबल सेवन मिलियन डॉलर की मार्केट कैप है अगर आप इसके अब ऑल टाइम हाई पे जाते हैं तो ये ऑल टाइम हाई जुलाई 22 2024 को यानी कि 21 दिन पहले बनाया था इसने 45 परसेंट वहां से डाउन है इट मींस अपने ऑल टाइम फोर्टी फाइव परसेंट डाउन अगर अभी तक आप लोगों ने मोक क्वाइन को बाय नहीं किया तो मेरे हिसाब से आपको आपके पास एक काफी अच्छा ऑप्शन बन चुका है ओके ब्रिज ऑप्शन है बेस और इथेरियम दोनों पर है एक सबसे बड़ा पॉइंट और बन गया मार्केट सेक्शन में चले ऑलरेडी बाय बिट गेट डॉट आई एच टी एक्सी क्वाइ एमसी बिट गेट क्रिप्टो डॉट कॉम सभी टॉप मोस्ट एक्सचेंज पर आ चुका है और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी ब्रेट में बताया है मोक क्वाइन का टारगेट भी क्वाइन बेस में लिस्टिंग पाना है इट्स अ ओन चेन प्रोजेक्ट ऑफ बेस चेन 477 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप माय इनिशियल टारगेट इज इज़ीली 5 बिलियन डॉलर 5 बिलियन डॉलर का मतलब इज़ीली वी आर एक्सपेक्टिंग 7X एक्स टू टेन फ्रॉम दिस मोक क्वाइन इससे बड़ा भी बन सकता है अगर ब्रेट ने शिबा को फ्लिप कर दिया शिबा के ऑल टाइम हाई की मार्केट कैप को फ्लिप किया मोक विल बी ऑन 10 बिलियन और यू कैन से 15 बिलियन डॉलर तो बहुत बड़ा एक मैसिव इंपैक्ट एक सेफ इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें मोक कॉइन में देखने को भी मिल रही है ये है दोस्तों मोक कॉइन का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल यहां पर अगर हम बात करें 77,000 फॉलोअर हैं और सिंपली चलते हैं इनको फॉलो कर रहा है तो यहां पर आप देखिए सेम नाम JK, उसके बाद हम बात करें क्रैश बिट गेट ग्लोबल एडम शर्टन एलबेंट्रेड की यूके क्रिप्टो और बहुत सारे इंफ्लुएंसर इवन साइफर प्राइम हमारे जैक लेविन सर ही इज आल्सो फॉलोइंग मी एंड ही इज फॉलोइंग द मोक अब आप देखिए कितनी बेहतरीन क्रिप्टो कम्युनिटी जो है वो इस प्रोजेक्ट को भी फॉलो

अब हम बात करते हैं तीसरे और इस स्क्रीन पर ध्यान रखेगा क्योंकि इसी स्क्रीन में मैं आप लोगों को एक और चीज बताने जा रहा हूं जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोली है कि मैं आपको बेस चेन का एक और बेहतरीन प्रोजेक्ट भी बताने वाला हूं सो so आगे हम बात करते हैं डी चेन

क्वाइन बेस में स्टार्ट होने जा रही है आप यहां देख सकते हैं वी आर एडिंग सपोर्ट फॉर डीजेंट डीजें टोकन बेस सैट ईओएस परपेचुअल फ्यूचर लिस्टिंग ऑन क्वाइन बेस एडवांस इट मीनस अब हमारे लिए दो सबसे बड़ी पॉइंट क्या बन गया बिटकॉइन ऑर्डिनल का है इवन ईओएस की स्टार्ट हो रही है इट मीन सैट्स और डीजन के अंदर अभी मेरे हिसाब से आपको डंप देखने को मिलेगा और सेम इंडिकेटर हम लोग को डीजन के प्राइस में देखने को मिल रहे हैं लास्ट वन मंथ में ट्वेंटी का डाउन है अगर हम वन ईयर की भी बात करें तो अगर अभी तक मिस किया है तो 70 परसेंट डाउन है माय फ्रेंड्स पिछले एक साल में वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑल टाइम हाई जो चार महीने पहले बनाया था उससे 92 डाउन है इसको आप क्रैश भी समझ सकते हैं बट ये क्रैश आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट बनाएगा अप्रैल एक 2024 को आज से चार महीने पहले इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था और अपने उस ऑल टाइम हाई से नाइनटी डाउन है इट इज वन ऑफ द बेस्ट 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 अपॉर्चुनिटी राइट नाउ टू बाय डीजेन ऑन बेस और मार्केट सेक्शन में ऑलरेडी टॉप एक्सचेंज ओके एक्स बायट टोटो एक्सी एक्स कॉम सभी पर है और क्वाइन बेस में पंद्रह अगस्त में फ्यूचर लिस्टिंग जो स्टार्ट होने जा रही है सर देर इज नो डाउट लिक्विडिटी मेंटेन होते ही क्वाइन बेस में फ्यूचर लिस्टिंग से वी आर वॉचिंग के डीजेन क्वाइन जो है बहुत जल्दी क्वाइन बेस में एज अ स्पोर्ट ट्रेडिंग लिस्ट होगा और वो होगा एक ग्लोबल इंपैक्ट तो बहुत बड़ा एक इंपैक्ट है पिछले चार महीने से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं 92 परसेंट डीजे डाउन है और मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा मौका है सो so, अब हम बात करते हैं जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं लेकिन बात करने से पहले आप लोगों को पहले बताता हूं क्रिप्टो मार्केट है रिस्क और रिवॉर्ड है तो अपनी रिसर्च पूरी कर लेना क्योंकि ये टाइम टू टाइम मैं रिसर्च करता रहता हूं कम्युनिटी को देखता रहता हूं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उसका बेनिफिट उठाएं देखिए दोस्तों मोक कॉइन के अंदर मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो कम्युनिटी को फॉलो कर रही है इसमें एक प्रोफाइल है जिस प्रोफाइल का नाम है क्रैश ओके okay, अब ये क्रैश प्रोफाइल इसको फॉलो कर रहा है और क्रैश प्रोफाइल ने सबसे बड़ा अपना ट्वीट अप्रैल 11 का डाला हुआ है अप्रैल 11 में इस ट्वीट के अकॉर्डिंग 15,000 डॉलर इन्होंने ब्रेट में लगाए थे और उस 15,000 डॉलर से ऑलरेडी ये 5 मिलियन डॉलर बना चुके हैं एंड इनका जो टारगेट है वो फिफ्टी मिलियन डॉलर का है पांच मिलियन डॉलर इनके बन चुके हैं टेनेक्स ग्रोथ इजील हम लोग ब्रेट में देख रहे हैं तो फिफ्टी मिलियन डॉलर की इनकी ट्रेड हंड्रेड सक्सेस होनी है ओके okay, बट यहां पर ना क्रैश जो ये ऑफिशियल प्रोफाइल है इसको जो फॉलो कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्विटर हैंडल को वो बहुत बड़ी कम्युनिटी है जैसे मायरो ट्रेसर पोंके वोल्टिनू डेक्स स्क्रीनर मतलब डेक्स स्क्रीनर इज फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल या फिर क्रिप्टो जैक की बात करें चीम्स ऑफिशियल की बात करें जैक की बात करें सलमडोग मिलियन की बात करें क्रिप्टो रोवर यूरोप ऑफ ये वो सब इंफ्लुएंसर एनालिटिक्स ऑल्ट ऑल्टोली है डेली जो क्रैश के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को फॉलो कर रहे हैं अब यहां पर एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि फॉलो कर रहे हैं तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा दोस्तों बेस चेन पे एक और प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट का नाम है क्रैश अब मैं आपको पहले वो क्रैश दिखा देता हूं ओके okay? सो so, दोस्तों ये वो प्रोजेक्ट है क्रैश सॉरी ये तो उनका प्रोफाइल ही खुल गया मैं एक बार आपको वो प्रोजेक्ट दिखाता हूं हाँ ये क्रैश ओके okay, ये देखिए ये वो प्रोजेक्ट है यहां लिखा हुआ है ऑफिशियल ट्रिब्यूट क्वाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्विटर हैंडल और ये वही है जो मैं आपको अभी ओपन करके दिखा रहा हूं ओके okay, सो so अगर ये प्रोजेक्ट इन बिल्ट इन्हीं का है ठीक है जिनको वर्ल्ड की टॉप कम्युनिटी फॉलो कर रही है क्रिप्टो मार्केट में सो so दोस्तों ये हमारे लिए एक बेस चेन का लो कैप जेन बन सकता है बट आप भी जानते हैं रिस्क और रिवॉर्ड पूरा है अब अगर मैं यहां पर क्वाइन मार्केट कैप पर क्रैश को चेक करूं क्रैश ऑन बेस को चेक करूं तो ये देखिए 1209 सो ऑलरेडी मतलब इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई वेरीफाई हो चुकी है अंडर 5 मिलियन डॉलर की वर्थ का प्रोजेक्ट 1207 रैंक है ओके okay? 5 मिलियन डॉलर का टोकन मैं आपको दिखा रहा हूं क्या पता यह यहां से इजिली हंड्रेड हो जाए इजिली ट्वेंटी हो जाए थर्टी हो जाए फिफ्टी हो जाए बट ट से चले तो ऑलरेडी बिटमार्ट बेसवैप और यूनिस्वैपीज पे, पे आया अभी पे है बाकी सभी अलग अलग वर्जन में बाय स्वैपेक्ट मतलब की क्रैश यह मेरे हिसाब से अच्छी अपॉर्च्युनिटी बन चुका है मैंने इजिली यहां पर सौ डॉलर इन्वेस्ट कर दिया है क्रैश में क्योंकि मैंने इसको फोर मिलियन डॉलर के आसपास देखा तो इसकी मार्केट क्या फोर पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर की है सो आई एम एक्सपेक्ट कि यहां से अगर मुझे 20 या 30 गुना का प्रॉफिट निकल गया तो मेरा 100 डॉलर आराम से लगभग 2000-3000 डॉलर के आसपास तो बन ही जाएगा तो तो और ये आप लोग देख ही पा रहे हैं इजिली बट यू हैव टू फॉलो जेम ऑल्सो बट डीजेन के अंदर मेरे हिसाब से इस टाइम पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों 92 होना अपने से, और इधर से क्वाइन बेस में लिस्टिंग मिलना डाउन जरूर कर रही है लेकिन ये अल्टीमेटली एक जबरदस्त प्रोजेक्ट है मे बी डीजन इन फ्यूचर डीजन इन बुलरन मे बी फ्लिप मो क्वाइन ऑल्सो सो दिस इज द कंप्लीट अपडेट्स अबाउट बेस चेन टॉप थ्री प्रोजेक्ट एज वेल एज लो कैप जेम ऑन बेस और गोम के बारे में मैंने आपको बता दिया लो कैप जेम ऑन सोलाना क्रैश एंड गोम इट हिडन अपॉर्चुनिटी जब बुलरन आएगा हंड्रेड परसेंट इन प्रोजेक्ट पर वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा बट प्लीज इन माइंड यू आर इन द इन इन मार्केट सो प्लीज डू ऑर ऑन रिसर्च बिफोर बाइंग बिफोर स्टार्टिंग बिफोर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो मार्केट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब क्रिप्टो मार्क यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स थैंक यू सो मच